शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री और बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर, लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंगी धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क नितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206। पदम नगर क्षेत्र के अंतर्गत बालाजी ट्रैक्टर के बोर्ड पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हिंदू महिलाओं के विरुद्ध आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी, जिसकी शिकायत हिंदू संगठनों ने विरोध जताकर पदम नगर थाने में की थी। पूर्व मामले को गंभीरता से लेते हुए खंडवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने निर्देश दिए कि टीम गठित कर जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। नगर पुलिस अधीक्षक ललित गठरे ने टीम गठित कर जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कल शिकायत प्राप्त हुई थी कि हिंदू महिलाओं के विरुद्ध कुछ आपत्तिजनक शब्द लिखे गए हैं, जिस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन मोड में आते हुए आरोपी सतीश नामक व्यक्ति संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया था। पूछताछ पर उसने पता जुल्म कबूल किया है। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी, कल थाना पदम नगर में शिकायत प्राप्त हुई थी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, ऐसा जो बालाजी ट्रैक्टर्स का जो बोर्ड है थाना पदम नगर के सामने, तो उस पर हिंदू धर्म की महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिस पर थाना पदम नगर पे सेक्शन 295A IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इस पर थाना पदम नगर की टीम ने तत्परता से कार्रवाई की और एक संदेही जिसका नाम सतीश दशौरे है, वो इंदौर नाका का ही निवासी है, 38 साल करीब उसकी उम्र है और मजदूरी का काम करता है, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया और पूछताछ करने पर उसने अपने जुर्म को स्वीकारा और इस तरीके से वो बोर्ड में अन्य जगह भी उसने कोयले के से बोर्ड में इस तरह के आपत्तिजनक शब्द लिखे हुए थे।